हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत सिंह वाटी और आपका मेरे चैनल आई प्लानेट जर्नी पे स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम ट्रेवर्स टैंक जो कि माउंट आबू के अंदर है उसका विजिट करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ट्रेवर टैंक माउंट आबू के मुख्य शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एक सुरमय स्थान है और माउंट आबू क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ये एक प्रकृति प्रेमी का स्वर्ग है जिसका नाम ब्रिटिश इंजीनियर के नाम पर रखा गया जिन्होंने इसे बनाया था। अर्थात ये ट्रेवर्स टैंक एक ब्रिटिश इंजीनियर ट्रेवर ने बनाया था और उसी के नाम पे इसका नाम ट्रेवर्स टैंक रखा गया है। इसे बनाने वाले ब्रिटिश इंजीनियर ट्रेवर ने लोगों को प्रकृति का आनंद लेने और देखने के लिए एक सुंदर जगह बनाने के लिए समर्पित किया था। ब्रिटिश इंजीनियर ट्रेवर ने इसे बनाया था, इसलिए ये ट्रेवर टैंक के नाम से जाना जाता है और जिसका उपयोग मगरमच्छों के प्रजनन के लिए किया जाता है। ट्रेवर टैंक की यात्रा से सूरमे दृश्य दिखाई देते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए समान रूप से एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। अर्थात ये पिकनिक के लिए सबसे बेस्ट जगह है माउंट आबू के अंदर। ट्रेवर टैंक कई उद्देश्य से निर्मित देखने के स्टेशन है। आपको उनके प्राकृतिक आवास में भरपूर वन्य जीवन को देखने का अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। यदि आप सही मौसम के दौरान ट्रेवर टैंक जाते हैं तो बहुत आपको शांति और अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं और आप इस क्षेत्र में रहने वाले जंगली काले भालू को भी देख सकते हैं यदि आप भाग्यशाली हो तो। दुनिया भर के बर्ड वाचर्स यानी पक्षी प्रेमी ट्रेवर टैंक आते हैं क्योंकि उनके लिए ये सपना जैसा है। और पक्षियों की बहुत सारी यहाँ पे पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। यदि आप काफ़ी समय बिताते हैं तो आप कबूतर, मोर, तीतर को समृद्ध पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रेवर टैंक एनिमल लवर्स और नेचर लवर्स के लिए बहुत अच्छी जगह है। सबसे अच्छी बात है कि पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है। और यदि आप बर्ड्स देखना पसंद करते हो तो आप इस जगह पर आइए, आपको यहाँ पे काफ़ी बर्ड्स दिखाई देंगे। और यहाँ पे एक क्रोकोडाइल पॉइंट भी है जो ऊपर है, यहाँ से आप यदि आप आगे चले हो तो आपको क्रोकोडाइल देखने को भी मिल सकता है यहाँ पे। तो आइए ट्रेवर टैंक को विजिट करते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम हैं यहाँ पे ट्रेवर टैंक और यहाँ पे आप पीछे देखिए उस साइड में, तो ये है ट्रेवर टैंक और क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं। बट मुझे तो यहाँ पे काफ़ी देर से मैं बैठा हूँ, यहाँ पे नहीं दिखा। और वो वाला पॉइंट कौन सा भैया? वो क्रोकोडाइल पॉइंट। अच्छा, उसी को बोलते हैं क्रोकोडाइल पॉइंट। ओके, और कौन कौन से यहाँ पे जानवर हैं? भालू और लेपर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों भालू है और लेपर्ड है, बट मुझे देखने को नहीं मिला अभी तक। और शाम को आप आओगे ना तो आपको लेपर्ड और भालू यहाँ पे दिख सकते हैं। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी रिलैक्स कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे। इट्स वेरी नाइस। वो देखिए आप, ट्रेवर टैंक बोलते हैं वैसे ही इसको, लेकिन मुझे और वाइल्ड लाइफ माउंट आबू वाइल्ड लाइफ ही बोलता ना, लेकिन यहाँ पे ना भालू दिखा ना अभी मुझे लेपर्ड दिखा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ शाम को लेपर्ड और भालू दिखाई देते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे ऐसा कोई रिस्क नहीं है। आप भी आओ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इंटरटेनिंग पॉइंट है। और वो सामने जो दिख रहा है वो है आपका क्रोकोडाइल पॉइंट बोलते हैं उसको। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर क्रोकोडाइल पॉइंट देखने।
दिखा आपको वो दूर वो समुद्र वो देखिए वहां पे है मगरमच्छ। ये है दोस्तों क्रोकोडाइल पॉइंट, यहाँ से क्रोकोडाइल देख सकते हैं आप, वो उधर बैठा था अभी।